अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रजक भाई। आज बताने वाला हूँ अगर कतार के अंदर में कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो इसको रिपोर्ट कैसे करेंगे। इसका रिपोर्ट करने के लिए आज इस वीडियो बनाई हूँ। इस वीडियो के लिए तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल कर दीजिए, ऐसा वीडियो मैं अपलोड करते रहता हूँ। चलिए मैं दिखाने वाला हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको मेटास्ट ओपन कर लेना है और यहाँ पर आना है ट्रैफिक एक्सीडेंट पर। आप देखिए, मैं दिखाने वाला हूँ ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको आगे प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। देखिए, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर एक्सीडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे पूरा डिटेल भरना होगा। जैसे कि आप रिपोर्ट करते हो तो सबसे पहले अपना जो प्लेट, गाड़ी का प्लेट नंबर यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे टिक मार लगाना है रिस्पॉन्सिबल पे। लगाने के बाद यहाँ पे दूसरे गाड़ी का देना होगा जो आपको ठोका और जो जिसके साथ एक्सीडेंट होगा, इसका प्लेट नंबर यहाँ देना होगा। और यहाँ पर QOD देना है, मोबाइल नंबर उसका देना होगा, पूरा डॉक्यूमेंट भरना होगा। अपडेट पे टिक मार लगाना है, यहाँ मोबाइल नंबर देना होगा, इधर से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ देखिए पूरा डिटेल सही है, तो यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले अपना व्हीकल का यहाँ पे ले लेता हूँ जो कि टूटा फूटा है, तो वहाँ से आप फोटो लेके यहाँ पे ऐड करना होगा। और या दूसरे गाड़ी में जो लगाया था, एक्सीडेंट हुआ था, तो उसको भी यहाँ पे भरना होगा इस तरह से। सही है ना, दोनों गाड़ी का यहाँ पे हो गया, इधर से ऐश कर देना है। ऐश करने के बाद आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस तरह से आराम से जो है ना, आराम से आप रजिस्टर कर सकते हो। बहुत ईजी तरीका है। रिपोर्ट करने के बाद आपको कहाँ जाएगा, इंश्योरेंस कनेक्शन ट्रैफिक में जाएगा, वहाँ से आपको कॉल करेगा। सही है, उसके बाद आपको बुलाएगा डेट मिट्टी पे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपको तो मालूम हो गया रिपोर्ट करने का सही तरीका क्या है। ऐसा आप रिपोर्ट कर सकते हो। इजी तरीका से आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है, तो फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल कर दीजिए।